नमस्कार। अभिनय युग के सेकेंड फेज की चर्चा हो रही है और इस सेकेंड फेज में जो मूल बात है वो ये है कि नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव फीलिंग्स को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और किस प्रकार से उसे पॉजिटिव एनर्जी में, पॉजिटिव फीलिंग्स में ट्रांसफॉर्म करें, इस पर बात हो रही है। तो अभी बातचीत हो रही है रस को लेकर। सेकेंड फेज में रस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रस तो वैसे भारत के साहित्य जगत का, भारत की कला जगत का आधार है। यहाँ भी अभिनय योग में हमने रस को एक आधार के रूप में लिया है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से। साहित्य और कला जगत में रस को क्रिएट करना एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी या आर्टिस्ट का स्किल माना गया है। अभिनय योग में हम कह रहे हैं कि एवरी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड विच रस इज प्रीडोमिनेंट एंड विच रस इज सप्रेस्ड इन हिज ओन पर्सनल लाइफ। व्यक्तिगत जीवन में कौन सा रस अधिक है, उसे हम रस दोष भी कह सकते हैं, और कौन सा रस सप्रेस्ड है या दमित है। तो एक्सप्रेस्ड रस और सप्रेस्ड रस, इन दोनों को स्टडी कर रहे हैं और उस पर हम ह्यूमन बीइंग्स के अलग अलग टाइप्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इन्हीं लेक्चर्स के दौरान आपको ये समझ में आएगा कि आप किस टाइप के हैं। तो जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि इस बार चर्चा होगी अद्भुत रस के बारे में और अद्भुत रस के एक्सप्रेशन और अद्भुत रस के सप्रेशन को लेकर क्या कुछ होता है और किस तरह का ह्यूमन टाइप उसके अंदर आता है और उसके प्लस, उसके माइनस, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उस पर हम आज की बातचीत को रखे हैं। तो कला जगत में अद्भुत रस एक बहुत ही पॉजिटिव किस्म का रस है, जिसका मतलब है आश्चर्य, जिसका मतलब है सेंस ऑफ वंडर, जो अक्सर बाल जीवन में देखने को मिलता है। अ चाइल्ड्स आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ इज फुल ऑफ वंडर। उसके सामने चीजें, जीवन, रिश्ते, नाते, कॉन्सेप्ट, आइडियाज सब धीरे धीरे आश्चर्यजनक रूप से खुलते जाते हैं और इसलिए ये माना गया है कि जिस व्यक्ति के अंदर उसका बच्चा अगर जिंदा है तो वो पूरी तरह से जीवित है, पूरी तरह से जिंदा है। हमारा जीवन तब से मरना शुरू हो जाता है जब हम अपने बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं या हमारे अंदर मौजूद हमारे बच्चा जो है वो सुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो बच्चे को जीवित रखने के लिए सेंस ऑफ वंडर ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और इस सेंस ऑफ वंडर को, आश्चर्य के भाव को और अद्भुत रस के संचार से हम अपने जीवन में खूब पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। न सिर्फ पॉजिटिविटी लाएंगे बल्कि फ्यूचर के प्रति एक आशा, एक होप उससे जगती है। कला के जगत में अद्भुत रस क्या है, थोड़ा सा इस पर बात करूंगा। वैसे तो जो कला प्रेमी हैं, कलाकार हैं, वो जानते ही हैं, फिर भी अपनी इस बातचीत को थोड़ा सा और कनेक्टेड बनाने के लिए ये कहना जरूरी है। तो आश्चर्य का मतलब है अ प्लेजेंट डिलाइट, जैसे बहुत दिनों बाद बिछड़े हुए मित्र से मिलना, ये प्लेजेंट डिलाइट क्रिएट करता है। और नई, किसी भी नई चीज के प्रति जब आप पहली बार आश्चर्य से भर जाते हैं वो अद्भुत रस क्रिएट करता है। पहाड़, नदी, नाले, आकाश, चांद, सूरज, इन सब के प्रति भी जब आप अद्भुत सौंदर्य से भर जाते हैं, जब इसका जो सौंदर्य जब आपके सामने खुलता है तब भी अद्भुत रस का संचार होता है। और सबसे अधिक इसका अनुभव कवि और फिलोसोफर्स लोग कर पाते हैं, प्रकृति के रहस्य के नज़दीक आते आते या प्रकृति के रहस्य को जानने की कोशिश में उनके सामने जब जीवन खुलता है या आश्चर्यजनक बातें आती हैं तो अद्भुत रस का संचार होता है। कला के जगत में बहुत सुंदर परफॉर्मेंस, डांस की, ड्रामा की या स्पोर्ट्स की भी कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप एक शानदार खिलाड़ी को सेंचुरी मारते हुए देखते हैं या किसी टेनिस प्लेयर के स्ट्रोक्स को देखते हैं, फुटबॉल प्लेयर की किक्स को देखते हैं,
हर स्पोर्ट में अद्भुत रस क्रिएट हो जाता है किसी न किसी ऐसे खिलाड़ी के द्वारा जो आश्चर्यजनक रूप से एवरेज से बहुत आगे है, ब्रिलियंट है, तो वो ऑर्डिनरी से बियॉन्ड हो जाता है, जीनियस के लेवल पे जो स्पोर्ट्समैन पहुंच गया वो अद्भुत रस क्रिएट कर देता है। ठीक ऐसे ही साइंटिस्ट के जीवन में साइंस के द्वारा और विशेषकर जो लोग कॉस्मोलॉजी का स्टडी करते हैं उनके द्वारा भी अद्भुत रस क्रिएट होता है। अगर आपके मन में जरा भी इंटरेस्ट है कि ये पूरा विश्व ब्रह्मांड क्या है, कैसा है, कितने ग्रह, नक्षत्र, निहारिकाएं, गैलेक्सीज बन रही हैं, टूट रही हैं, और हमारी छोटी पृथ्वी, उसमें एक छोटे प्रदेश में रहने वाले हम, उसमें हम मामूली सा अपना सा जीवन 70-80 वर्ष का, जिसे हम इतना महत्व देते हैं, अगर इसे हम देखें कि ये कैसे पूरे कॉस्मोस का एक बड़ा ही मिनिस्क्यूल सा पार्ट है, तो आप बिना अद्भुत रस क्रिएट किए रह नहीं सकते। तो ये ब्रीफ में मैंने अद्भुत रस की भूमिका रखी। अब हम बात करते हैं कॉन्शियसली हम इस रस को अपने जीवन में कैसे रिप्रोड्यूस करें और रिप्रोड्यूस करते रहें। यहां ये बात याद दिला दूं कि अभिनय योग का मतलब, अभिनय योग की शिक्षा साधारण इंसान के लिए भी है, सिर्फ अभिनेताओं के लिए नहीं है, साधारण व्यक्ति के लिए भी है। उसके जीवन का जो आउटलुक है उसमें एक दिशा परिवर्तन की आवश्यकता है जो अभिनय योग दे रहा है, तो उसमें रसों का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो अद्भुत रस का संचार हम कॉन्शियसली अपने जीवन में कैसे करें, तो सबसे पहले जो व्यक्ति अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाना चाहता है, अपने जीवन को, अपने मन को और ज्यादा पॉजिटिव बनाना चाहता है और अपने अंदर मौजूद सेल्फ के राह पे चलते चलते उस सेल्फ से मिलना चाहता है, तो वो किसी न किसी कला से अपना संबंध बनाए। गीत हो, संगीत हो, पेंटिंग हो, मूर्तिकला हो, फिल्म मेकिंग हो, उसके अंदर इतनी सारी डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें किसी एक डिपार्टमेंट से वो अपना संबंध बनाए और उसके बारे में थोड़ा 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 जानना शुरू करें, और वो हर बार जितना जानेगा अद्भुत रस से भरता जाएगा। ये अनिवार्य है। किसी भी, हम भी प्रोफेशनल एक्टर हैं और हमारे जीवन में भी एक्टिंग की विद्या जब धीरे धीरे खुलती गई तो हर बार थोड़ा सा तकलीफ होती थी और ढेर सारा आश्चर्य होता था, अरे बाप रे ये भी है जानने के लिए, अरे बाप रे हमसे पहले इन्होंने ये किया है, हमारे सीनियर एक्टर्स ने ये हासिल किया है, सीनियर डायरेक्टर्स ने फिल्में ऐसी ऐसी बनाई हैं, किस तरह का अद्भुत कार्य हुआ है। तो ये आपके सामने एक पहला एक एफर्ट होगा कि आप किसी कला से जुड़ जाएं। आप गीत की जगत में जाएंगे, चाहे आप फिल्मी गायकों से ही कनेक्ट हो जाएं, उसके बाद क्लासिकल सिंगर्स से भी कनेक्ट हो सकते हैं, और धीरे धीरे आपको गीत संगीत के रहस्य आपके सामने खुलते जाएंगे और आप वाव वाव यही आपके मन से निकलता जाएगा और ये आपके मन को स्वस्थ रखेगा, ये आपके अंदर ऐसे हार्मोन सीक्रेट करेगा जो आपको हेल्दी रखेंगे। अ पर्सन हु इज ऑलवेज फिल्ड विद वंडर विल ऑलवेज बी अ हेल्दी पर्सन, ये अनिवार्य है। तो पहली बात, कला से जुड़ना शुरू करें। दूसरी बात जो पर्सनली मैं जिसको बहुत एनकरेज करता हूं अपने साथियों में, स्टूडेंट्स में, सब तरफ, वो है इस यूनिवर्स को जानने की कोशिश। आप इसको किसी भी एंगल से समझने की कोशिश कीजिए, चाहे फिलॉसफी से कीजिए, चाहे स्पिरिचुअलिटी से कीजिए, रिलीजन से कीजिए, चाहे साइंस से कीजिए, चाहे एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी से कीजिए, किसी भी एंगल से करें, लेकिन करें यूनिवर्स का अध्ययन करें कि ये यूनिवर्स क्या है, किन ताकतों से ये यूनिवर्स बना है और ये उसमें हमारा क्या स्थान है। हमारे में सबसे पहले तो सोलर सिस्टम का स्थान, फिर ये पृथ्वी का स्थान, फिर अपने देश का स्थान और फिर अपने व्यक्तित्व का स्थान। इसको लेकर जब भी आप चिंतन करेंगे तो आप आश्चर्य से हमेशा भरे रहेंगे। जब भी आप कभी दुखी हो, अवसाद में हो, डिप्रेस्ड हो, तब आप कॉस्मोस की स्टडी पे लग जाएं, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। आपको शराब पीने की जरूरत नहीं, सिगरेट, चरस, गांजा पीने की कोई जरूरत नहीं। यकीन मानिए, मैंने अपने जीवन में बहुत बार ऐसे किया है। मैं प्लानिटेरियम को रेगुलरली विजिट करता था
और वो जो 45 मिनट की वहाँ फिल्म होती थी वो मुझे अक्सर आश्चर्य से ऐसा भर देती थी कि मैं फिल्म देखने के बाद कम से कम 10 मिनट तक स्तब्ध अवस्था में ही रहता था और यही ख्याल आता था कि क्या है ये विश्व ब्रह्मांड, क्या है ये यूनिवर्स, और मैं कहाँ अपनी छोटी सी चिंता लेके बैठा हूँ बम्बई शहर में। ये तो इतना कुछ चल रहा है इस दुनिया में, विश्व ब्रह्मांड में इतनी चीजें हो रही हैं और हमसे पहले भी हुई हैं। दिस इज एक्चुअली व्हाट इन इंग्लिश इज नोन एज माइंड ब्लोइंग और माइंड बॉगलिंग। आपके मन का तनाव समाप्त हो जाएगा, बल्कि मन ही समाप्त हो जाएगा, और आप उस कॉस्मोस को इमेजिन करते जाएंगे जिसका बड़ा ही मामूली सा हिस्सा है। मामूली सा हिस्सा तो है लेकिन जरूरी हिस्सा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी वैल्यू भी पता चलेगी कि एक एक मधुमक्खी, एक एक मच्छर, एक एक मॉस्किटो, एक एंट, वो भी कितना इंपॉर्टेंट है, और हम भी एज एन इंडिविजुअल कितने इंपॉर्टेंट है इस पूरे विश्व ब्रह्मांड के बैलेंस को बनाए रखने के लिए। तो इससे आप मजबूत हो जाते हैं, इससे आशा की किरण जग जाती है, इससे आपको अच्छा लगने लगता है। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका है स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन के कार्य को देखते हुए, फिर आर्टिस्ट, दूसरे आर्टिस्ट की परफॉर्मेंसेस को देखते हुए। वहां पे आप अगर कि कला प्रेमी बन गए हैं तो धीरे धीरे कलाओं को वॉच करना शुरू कीजिए। जितनी भी ललित कलाएं हैं उनमें आप इंटरेस्ट लें, और ऐसे दर्शक, और एक स्पेशलाइज्ड दर्शक जिसे कोनोसूर कहते हैं। कभी भी परेशान हो कुछ बहुत अच्छा प्ले देखिए, बहुत अच्छी फिल्म देखिए, बहुत अच्छा पेंटिंग एग्जीबिशन में चले जाइए, बहुत अच्छे मूर्तिकला के एग्जीबिशन में चले जाइए, नृत्य के, क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस आपको हमेशा हैरान कर देगा। मैं अभी भी पुणे में एक सेमिनार में था और वहाँ पे कथक की परफॉर्मेंस देखी तो मन से वाव वाव क्या बात है, क्या बात है, यही निकल रहा था। इट्स सो ब्यूटिफुल, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। तो ये आपके अंदर की तमाम कुंठाएं, तमाम निराशाएं, तमाम डिप्रेशंस दूर कर देगा। तो ये खूबी है, रसों की तो वैसे खूबी है ही, लेकिन कॉन्शियसली और सोच विचार के अगर आप इस पर काम करना शुरू करें, बजाय गॉसिप करने के, बजाय टाइम पास करने के, बजाय बहुत ज़्यादा इधर उधर के यूजलेस वीडियोस को देखने के, अगर आप इस कॉन्शियस एफर्ट से आर्टिस्टिक वर्क्स को देखें या साइंटिफिक वर्क्स को स्टडी करें तो आपके भीतर अद्भुत रस का संचार होगा, और ये रस आपको हील करेगा, आपको स्वस्थ बनाएगा, आप दैनंदिन जीवन की जो समस्याएं हैं उससे थोड़े समय के लिए बाहर निकलेंगे, जो कि तमाम रसों का मेन फंक्शन है। तो आज अद्भुत रस पे थोड़ी सी बात की, अगले वीडियो में कुछ और बातचीत दूसरे रस पर, विभत्स रस पर थोड़ी सी थोड़ा डिस्कस करेंगे कि उसका सप्रेशन भी और उसका एक्सप्रेशन भी किस तरह से फायदा देता है और किस तरह से नुकसान देता है, और क्या करना चाहिए विभत्स रस को लेकर, उस पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू।